Assalamualaikum 10th class, Bismillahirrahmanirrahim. 10th class, आज हमने exercise 1.4 का 9th वाला question करना है. बाकी मैंने पीछे आज सॉल्व करवा दी, आप देखेंगे कैसा करना आपने. स्टूडेंट पहले नंबर पर अपने से सॉल्यूशन लिखें. सॉल्यूशन इस अमाउंट को लेट करें जो सेम है, एस के प्लस एक्स. इसे लेट कर दो वाई, एस के प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई. अब स्टूडेंट आपने अब ये क्वेश्चन दोबारा इधर एड करें, एस के प्लस एक्स प्लस वन माइनस एस के प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू. अब इधर देखें फोर एस के प्लस एक्स स्टूडेंट इक्वल है वाई के, अब इसकी प्लेस में वाई प्लस वन. अब स्टूडेंट इसकी प्लेस में वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन. अब स्टूडेंट देखें ये स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट किससे तो मतलब स्केयर से टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड ये राइट कर दें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड. अब स्टूडेंट आप इधर लिखें वाई प्लस वन वाई माइनस वन, इसका क्या ले रहे हैं स्केयर दोनों. अब सुन ये फार्मूला ओपन हो रहा है, अब ये ए और ए बी है, लेकिन ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू फार्मूले का ए एंड बी, ए एंड बी. और वन का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट, वन का स्केयर वन, स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल, स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल. वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन माइनस टू. अब स्टूडेंट वाई को वाई से मल्टीप्लाई है वाई स्केयर, प्लस माइनस माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू. अब स्टूडेंट देखें वाई में वाई प्लस किया तो टू वाई आया, टू वाई और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाए. अब पीछे माइनस टू वाई स्केयर माइनस वन इज इक्वल टू वन है. अब स्टूडेंट आगे क्या करना है, ये प्लस वन है इधर आकर माइनस वन हो जाएंगे, ये माइनस है तो सारे अमाउंट इधर आकर प्लस हो जाएंगे. अब देखें दोबारा स्केयर लेना, देखिए टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड लिखने स्केयर ऑन बोथ साइड. अब टू बाई माइनस वन और टू बाई स्केयर माइनस वन का होल स्केयर. अच्छा आपने फार्मूला ओपन करना है, ये ए और ये बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू फार्मूले का ए एंड बी. इस आंसर टू टू द फोर और लिखेंगे वाई स्केयर माइनस वन और सॉरी टू टू द फोर ए स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल वाई स्केयर माइनस वन माइनस. आज में टू 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 द फोर फोर वाई स्केयर वन का स्केयर वन टू टू द फोर वाई और फोर वाई स्केयर माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई किया फोर. अब से ये दोनों टर्म में इस तरफ लें हैं, दोनों टर्म में सब लें हैं फोर बाय स्केयर प्लस वन माइनस फोर बाय, ये प्लस है इधर आपका माइनस फोर बाय, ये माइनस है इधर आगे प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इस तरह स्टूडेंट अब यहाँ पर फोर बाय स्केयर ये प्लस आई फोर बाय स्केयर है ये प्लस है इधर आगे माइनस हो जाना, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाने हैं. वन और फोर प्लस किया फाइव माइनस फोर बाय इज इक्वल टू जीरो. अब ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएंगे प्लस फोर बाय. अब स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट कर दी है देखो फाइव फोर, अब लिखी तो लिखा वाई वाई देखिए किसके इक्वल है एस के प्लस एक्स के. अब इसके प्लेस में लिखने एस के प्लस एक्स फाइव और फोर को एस के से मल्टीप्लाई किया फोर एस के, फोर को एक्स से और फोर एक्स आ जाएंगे. अब स्टूडेंट देखें फोर एस के प्लस फोर एक्स ये प्लस फाइव इधर आकर माइनस फाइव हो जाएंगे इज इक्वल टू जीरो. बाद स्टूडेंट आपने इसे इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज में स्टूडेंट आपने क्या करना है फोर एस स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव ये सारी साइड इस तरफ और जीरो इस तरफ आ जाएंगे जीरो. अब स्टूडेंट आपने पेयर तो नहीं बनते, अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो ये मैं रेस कर देखिए इस तरह यूज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला. उसके लिए स्टूडेंट आप चलें इधर ये ए इज इक्वल टू फोर बी इज इक्वल टू फोर एंड सी इज इक्वल टू माइनस फाइव ये वैल्यू और क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर राइट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस b
स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड। अब फ्रेंड माइनस बी, बी किसके इक्वल है फोर के, प्लस माइनस बी किसके इक्वल है फोर का स्क्वायर फोर, ए किसके इक्वल है फोर के, सी किसके इक्वल है माइनस फाइव के और टू ए आ रहा है। अब आपने फार्मूला ऊपर वैल्यू पुट कर दी माइनस फोर। अब फिर फोर का स्केयर होता है, फोर का स्केयर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस, फोर फोर का 16 80 आया और टू ए किसके इक्वल है फोर, ये की वैल्यू फोर। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस, प्लस किया 96 आया, टू फोर का ए, 96 का परफेक्ट स्केयर नहीं होता, अब उसके ना इस तरह एक्सियम ले लें, टू फोर का और ले 224, 212, 26 और 23 और 3। एस इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस, अब देखा जाए स्टूडेंट पेयर बन रही है, टू के टू एक पेयर ये बना, फिर टू के टू एक पेयर ये बना और टू मल्टीपल थ्री, टू थ्री का सिक्स और एट, जो पेयर बनते हैं आप देख रही है स्केयर और सबके साथ है तो सबके साथ ले लेंगे, स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल, माइनस फोर प्लस माइनस टू टू का फोर सिक्स और टेन, यहाँ से स्टूडेंट फोर कामन लेकर फोर कामन निकाला, फोर कामन निकाला और फोर फोर से कार्ड माइनस वन, फोर फोर से कार्ड अंडर रूट सिक्स और इधर आया ए, फोर वन का फोर फोर टू का एट आया। अब स्टूडेंट इधर लिखना है कि माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स और टू, ये आपका क्या है स्टूडेंट सोल्यूशन सेट, किस तरह आपने क्वेश्चन करना है, फिर लास्ट में आपने स्टूडेंट से सोल्यूशन सेट में आंसर राइट कर देना। अब स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ये भी 9th एक क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहाँ पर आपने फिर स्टूडेंट उसी तरह लेट करें एस के प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई। अब स्टूडेंट आपने फिर दोबारा से ये क्वेश्चन राइट करना है एस केयर थ्री एक्स प्लस एट, एस केयर थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। अब स्टूडेंट एस केयर थ्री एक्स प्लस किसके इक्वल है वाई, वाई प्लस एट है, इसकी प्लेस में वाई लिख दो, इधर भी वाई प्लस टू इसकी प्लेस में वाई प्लस टू इज इक्वल टू। इस तरह से पहले सवाल की तरह दोबारा से ये स्केयर होता है जिसका क्या लेना है स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लिखना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब आप स्केयर लेंगे वाई प्लस एट, वाई प्लस टू का स्क्वायर एंड थ्री का स्क्वायर। अब छोटे आपने फार्मूला ओपन करना है, ये ए और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का ए एंड बी और थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, वाई प्लस एट, वाई प्लस टू प्लस टू और इधर लिखा नाइन। अब वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, वाई को टू से टू वाई, एट को वाई से एट वाई, फिर एट को टू से 16 आया, इस तरह स्टूडेंट अपने से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वाई में वाई प्लस किया टू वाई, एट में टू प्लस किया 10 प्लस टू वाई स्क्वायर, टू वाई और एट बाई 10 वाई होता है स्टूडेंट प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट क्या करना है टू वाई प्लस 10 ये प्लस 9 है, इधर आपको माइनस 9 प्लस टू इधर जाकर माइनस टू हो जाए, इधर लिखो वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 16 ये प्लस टू अंदर रूट वाई वाली उस तरफ चल जाए उधर उधर वाली इधर आए। अब लिखें टू वाई, इधर लिखें टू वाई 10 में 9 करने प्लस 1 इज इक्वल टू तो माइनस टू, वैसे बचो माइनस टू, इधर लिखें वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई प्लस 16। अब स्टूडेंट आपने दोबारा से स्केयर देना है इसका, लिखें जी टेकिंग स्केयर ऑन, टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड स्केयर ऑन डायरेक्टली टेकिंग अगेन स्केयर ऑन, टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट आपका स्केयर आप इसका स्केयर लेंगे टू वाई का प्लस फोर स्केयर वाई स्केयर प्लस 10 वाई प्लस 16 का फोर स्केयर। अब स्टूडेंट फार्मूला ओपन करना है, लिखें जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू फार्मूले का ए एंड बी
माइनस माइनस प्लस टू का स्केयर फोर होता है, इसके स्केयर रूट के साथ कैंसिल, वाई स्केयर प्लस टेन वाई प्लस सिक्सटीन। और ये स्क्वायर आप उसके बाद टू वाई का स्केयर फोर वाई स्केयर, वन का स्केयर वन, टू टू द फोर फोर वाई आया, फोर वाई फोर वाई स्केयर, फोर पर टेन से मल्टीप्लाई किया फोर्टी वाई, फोर के सिक्सटीन से मल्टीप्लाई किया सिक्सटी फोर आया। अब स्ट्रेट आगे क्या करना है, अब ये सारी टर्म इस तरफ वाले इधर ले हैं फोर वाई स्केयर प्लस वन प्लस फोर बाय, आगे प्लस है इधर आपको माइनस फोर बाई, प्लस है इधर आपको माइनस फोर्टी, तो प्लस है इधर आपको माइनस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो। उस तरफ टर्म में सारी साइन चेंज करके आप इधर ले आएंगे। अब फोर बाई स्केयर, अब देखिए प्लस फोर बाय माइनस फोर बाय कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह स्टूडेंट टू टू द फोर बाय स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस टू टू द फोर बाय, ये प्लस है तो माइनस, और सॉरी इधर काटने क्यों नहीं, प्लस फोर बाय प्लस है तो इधर आ तो माइनस फोर बाय स्केयर आना, ये काटना प्लस फोर बाय स्केयर माइनस फोर बाय स्केयर क्या आएगा कैंसिल। अब पीछे बचा वन प्लस फोर बाय माइनस फोर्टी बाय माइनस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो। वन में से सिक्सटी फोर माइनस के माइनस सिक्सटी थ्री, फोर्टीन में फोर माइनस के माइनस थर्टी सिक्स, वाई इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से, वाई वाली को वाई वाली के साथ। अच्छा ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट करनी है थर्टी सिक्स, अब वाई यानी तो वाई देखिए किसके इक्वल होता है एस के प्लस थ्री एक्स, अब वाई के नीचे लिखिए वाई है एस के प्लस थ्री एक्स। अब फिर आपने क्या करना है, थर्टी सिक्स के से मल्टीप्लाई किया थर्टी सिक्स एस के, थर्टी सिक्स का थ्री से मल्टीप्लाई करना है थ्री सिक्स एटीन, थ्री थ्री का नाइन वन वन जीरो एट एक्स है। अब फिर आपने थर्टी सिक्स एक्स के प्लस वन जीरो एट एक्स, अब फिर ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा जीरो, क्या बच्चा ये जीरो। अब फिर आपने क्या करना, अब आप ये रेस कर अब फ्रेंड आपने इंटरचेंज कर देना, ये साइड टर्म इस तरफ लिखते हैं ये वन थर्टी सिक्स एस स्क्र प्लस वन जीरो एट एक्स प्लस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं यहाँ से थ्री कामन ही कर रहे हैं, थ्री कामन का आ रहे हैं तो थ्री वन का थ्री, थ्री टू का सिक्स, और थ्री थ्री का नाइन, और थ्री सिक्स का एटीन एक्स, और थ्री टू का सिक्स, थ्री टू का थ्री वन का थ्री इज इक्वल टू जीरो। थ्री मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो जाना, तो थर्टी सिक्स एस प्लस ट्वेंटी वन, तो जीरो को थ्री से डिवाइड किया तो जीरो आया, ट्वेंटी एक्स प्लस थर्टी एक्स प्लस ट्वेंटी वन तो जीरो है। अब देखा जाए तो बारह फिर थ्री कामन निकल है, वैसे उधर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बीस से, लेकिन कामन निकालने ज़रा शॉर्टेज है। अब यहाँ से थ्री कामन निकल है तो थ्री फोर था ट्वेल्व एक्स के, थ्री ट्वेल्व और थ्री सेवन जीरो। अब थ्री इधर मल्टीप्लाई करा कर डिवाइड हो जाएंगे, आप इसे डिवाइड कर दें जीरो ओवर थ्री, इधर हमारे पास क्या आया जी जीरो। अब फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ए इज इक्वल टू फोर, ए इज इक्वल टू फोर, बी इज इक्वल टू ट्वेल्व और सी इज इक्वल टू सेवन। अब फिर फार्मूला हमारा ये एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एस एंड टू एक्स माइनस बी इसके इक्वल है ट्वेल्व के, बी ट्वेल्व का स्क्वेयर, ए फोर है और सी स्टूडेंट सेवन के इक्वल है, ए ए इज इक्वल टू फोर। अब फ्रेंड आपने लिखना माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्केयर वन फोर्टी फोर होता है माइनस, अब फोर फोर का सिक्सटीन, और सिक्सटीन को सेवन से मल्टीप्लाई कर दें, सिक्सटीन मल्टीप्लाई सेवन वन हंड्रेड ट्वेल्व, वन हंड्रेड ट्वेल्व और टू फोर का ए, एस इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस, और वन फोर्टी फोर में से माइनस कर वन हंड्रेड ट्वेल्व तो हमारे पास आया थर्टी टू और एट है। अब फिर अब यहाँ पर 32 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो 32 का आप एलसीएम ले लें टू के साथ, टू वन सिक्स टू एट टू फोर टू 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 वन टू, पेयर देख लें दो पेयर बना रही हैं, दो पेयर बना लें और एक टू वैसे बचा टू के ऊपर जरूर देख लें और नीचे का बचा एट, इस तरह से आपने कर देना जितना पेयर का मतलब स्क्वायर बनता वो आप राइट कर। अब फ्रेंड आपने क्या करना, यहाँ पर स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल, तो माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस टू टू द फोर टू एंड एट। अब स्टूडेंट यहाँ से ट्वेल्व फोर में से फोर कामन का ले, फोर कामन का ला तो फोर थ्री द ट्वेल्व
4-4 से कैंसिल, 2 और 8, 4 मतलब 4-4 टू द 8, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2, 2। ये स्टूडेंट आपका क्या आया जी, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाना जी, सॉल्यूशन सेट। इस तरह आपने इसको करना है इस क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आधा कर दिया सवाल। आपने उसी तरह ही है, पहले एस के प्लस 3 ऐड करना वाई, और एस 3 एस के प्लस 3 एस के प्लेस में वाई पुट कर देना, वाई प्लस 9 वाई प्लस 4। अब ये स्केयर होता है तो उसका क्या दिया, स्केयर टेकिंग स्केयर हो ना बोथ साइड, उसके बाद होल्स कर दिया ये ए और ये बी, फिर हमने लिखा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, फार्मूला लिखा ए और बी 5 का स्केयर 25। ये स्केयर स्केयर और से कट, ये स्केयर स्केयर और से कैंसिल हो जाए, पीछे फिर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, इस तरह ये आया वाई को वाई से वाई स्केयर, वाई को 4 से 4 वाई, 9 को वाई से 9 वाई, 9 को 4 से 36 आया। यहाँ पर फिर वाई को वाई से प्लस के 2 वाई आया, 9 में 4 प्लस के 13 प्लस 2 आया। अब फिर यहाँ पर देखें ये प्लस 25 है, इधर आकर माइनस 25, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाना, वाई स्केयर प्लस 13 वाई प्लस 36 आया। अब फिर आप क्या करना, 2 बाय 25 में 13 का लो माइनस 12 आया, बड़ी मोटी सा माइनस का साइन है, और इधर लिखा माइनस 2 और वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब स्टूडेंट को देखें फिर स्क्वायर आया, क्या है जी स्क्वायर, स्क्वायर होता है सॉरी क्या आया स्क्वायर रूट। अब आपने लिखा है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वो आप लिख लेना दोबारा जो हमने दोबारा से स्क्वायर दिए। अब स्टूडेंट ए स्केयर फार्मूला ओपन कर दो आप, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू फार्मूले का, माइनस टू फार्मूले का ए एंड बी, माइनस माइनस स्केयर है तो माइनस में प्लस टू प्लस स्केयर 4, ये स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल, वाई स्केयर 13 वाई प्लस 36 है। अब 2 वाई का स्केयर स्टूडेंट 4 वाई स्केयर होता है, 12 का स्केयर 144, 2 टू द 4 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 48, 4 को बाय 4 बाय स्केयर, 4 को 13 से 52 बाय, और 36 को 4 से 4 से 24, 2 का 4 थी 12 144 आया स्टूडेंट। इससे स्टूडेंट अब आपने ये तीनों टर्म इस तरफ ले आए, 4 बाय स्केयर प्लस 144 माइनस 48, ये प्लस है इधर आपका माइनस 4 बाय स्केयर, ये प्लस है इधर आप माइनस 52 बाय, ये प्लस है इधर आपका 44 बाय माइनस हो जाना। अब स्टूडेंट आपने ये प्लस वो 4 बाय स्केयर माइनस 4 बाय स्केयर माइनस कट हो जाना। अब वाई वाई टर्म बची हमारे पास, वाई वाई टर्म में देखें सॉरी इधर आपका 48 बाय, ये 48 बाय मल्टीप्लाई किया, अब 48 बाय माइनस 52 बाय माइनस 48 बाय आया माइनस 100 बाय, ये क्या है माइनस 100 बाय। और सो ये प्लस 141 माइनस 144 कट हो जाना, जीरो बचेगा, क्या बचे जीरो। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है वाई की, अब ऊपर देखो वाई हमने क्या लिख किया था, एस के प्लस 3x, एस के प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, अब ये मल्टीप्लाई होकर जाकर डिवाइड हो जाएगा 300, तो पीछे का बच्चा थे 100 ही बच्चा, और सॉरी जीरो बच्चा, जीरो को हम जैसे ऐड किया जीरो आया। अब यहाँ से स्टूडेंट एक्स का मन का आना, एक्स का मन का आना एस प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, आपने ये जीरो दोनों के साथ है लेकिन एस इज इक्वल टू जीरो, एस प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस से इधर आकर माइनस दे, ये स्टूडेंट आपका आया सॉल्यूशन सेट जीरो कामा माइनस 3। इस तरह स्टूडेंट आज हमने पहले चैप्टर की पहले चार एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम आपको रीमिक्स एक्सरसाइज सारी करवाई जानी।